हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं निकल चुका हूं अपनी ऑफिस से, तो मैं घर की तरफ जा रहा था, तो आज सोचा थोड़ा यहां से चलते हुए ब्लॉग बना लिया जाए। भाई साहब ब्रेकर बना रखे हैं, स्कूल है यहां पे पास में ही, तो इस वजह से बच्चे निकलते हैं दिन के टाइम में, पर अभी तो छुट्टी हो चुकी है। अब हुए हाथ पैरों से ठीक, तो अब वीडियो बनाएंगे और रोज़ बनाएंगे। देखो यहाँ तक कोशिश है अब रोज़ मॉर्निंग में या संडे को तो आती ही है, आप लोगों को पता ही है कि संडे को तो हम वीडियो बनाते ही बनाते हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर। गांवों में लोग ज़्यादातर ब्रेकर ऊंचे ऊंचे बना के रखते हैं। भाई साहब तुम गाड़ी लाओगे तो यहाँ ऐसे अड़ जाएगी तुम्हारी गाड़ी, फिर कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। थ्रो वाला रोड, थोड़ा बाइक ऐसे चलती है जैसे तुम्हारे गाड़ी के पिछले टायर में पंचर हो गया हो, थोड़ा यहाँ पर संभाल के चलानी पड़ती है बाइक। ऑफिस टाइम आज थोड़ा कस्टम वालों के सिस्टम नहीं चले तो आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गए, तो इसलिए टाइम से मैं चलो आज काफ़ी दिन से वीडियो डाला नहीं था तो आज वीडियो बना के डाल देते हैं। तो वीडियो का तो ऐसा है भाइयों, आपको मैंने लास्ट वीडियो जो कल सवेरे डाली थी उसमें भी बताया था भाइयों, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। दोनों मोटरसाइकिलें मैंने तोड़ रखी थी बढ़िया वाली, और दोनों मोटरसाइकिलें सेम तरीके से ठुकी थी। तो भाइयों अब हम आने वाले हैं, हाईवे पर पहुँच गए अपना, ये सीधा गन्नौर से पानीपत 33 किलोमीटर। तो राइड करते हैं स्टार्ट, अब चलेगी दन्नो हमारी फुल स्पीड पे। गाइस अब आपको बता दूं मैं क्या काम करता हूं, तो आपको ये सामने एक जहाज सा दिख रहा होगा कंटेनर, इनका क्लियरेंस करवाते हैं भाई हम, CHAM कस्टम हाउस एजेंट। नहीं बस की तो क्यों चला रहा है, मेरे से कह दे मैं चला लूँगा। गलत फंस गया भाइयों मैं तो यहाँ, वो भी लोडेड लोडेड टी ट्रायंगल बना रहा है इसका, वाइड एंगल बना दे भाई। अरे ओ चाचा तू रुक जा। ये लो भाइयों अब यहाँ से निकल गए हैं, तो मैं तो इसको बहुत कम ही यूज़ करता हूँ बाई चांस वीडियो बनाने के लिए। हमारे जो भाई साहब हैं वो बहुत चलाते हैं इसको, उन्होंने ये एक साल रगड़ी है बढ़िया वाली, बस इसकी थोड़ी हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है भाई साहब। ये इतनी हरामखोर मोटरसाइकिल हो चुकी है कि इसमें हमें रोज़ पैसे ही लगाने पड़ते हैं। कभी इसके बैरिंग टूट जाते हैं, कभी इसका कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, हम तो दुखी कर दिए हैं इसने। लेकिन ये हमें अच्छी भी लगती है क्योंकि जब भी हमें अपने गांव जाना होता है तो हम इसी पे बैठ के जाते हैं, क्योंकि इसकी राइड मुझे बहुत पसंद है। जब तक ये 90-100 क्रॉस नहीं करती ना KMP पे, नेशनल हाईवे पे, कहीं भी ले जाओ भाई साहब, फिर तो मेरे को यही लगता है कहीं मैं इस पर से उड़ ना जाऊँ। और ये कहती है अब तेरे को देखती हूँ तो कितना भगा सकता है मेरे को। मेरा मन है मैं हायाबूसा लेना चाहता हूँ, तो कृपया आप लोग इसको 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो, मैं अगले महीने जाके हायाबूसा ले आऊँगा। मेरा चैनल को तुम जल्दी जल्दी वो करवा दो सब्सक्राइबर, मेरे भी सब्सक्राइबर कम है भाइयों, मेरे 200-300 सब्सक्राइबर करवा दो आप लोग, और ज़्यादा 200-300 तो है ही है मेरे पहले ही, और ज़्यादा करवा दो तो अच्छा रहेगा। बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लिखवा रखा भाई ने, महाजन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। हाईवे तो बनाया है पर लेकिन ऐसे ही है, कहीं बना रखा है कहीं छोड़ रखा है, कहीं रोड 4 लाइन है तो कहीं एकदम से 3 लाइन ही हो जाता है, ये तो गलत बात है यार, ये कन्फ्यूजन वाला टाइम है। अभी नीचे को उतर गई देखो, यहाँ से 1 लाइन ख़त्म हो पूरी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये तो एक्सीडेंट मैन तो इस वजह से होते हैं। अब ये लोग उठा के यहाँ पे भाई बाइकें बैन कर देते हैं हाईवे पे, अब ये KMP हाईवे अपना उसके अंदर इन्होंने बाइक बैन कर रखी है। भाई साहब मैं उस दिन लेके चला गया उसके ऊपर बाइक अपनी, मेरा 20,000 का काट के मेरे हाथ में पकड़ा दिया, ये ले जाओ घर। मैं सर बता दो किस वजह से काटा है, डॉक्यूमेंट पूरे हैं। अरे भाई साहब आपको पता नहीं है कि इसके ऊपर बाइक बैन हो चुकी है। मैं कहाँ लिख रहा है ये तो दिखा दो एक बार, बाइक बैन हो गई है क्यों भाई, कभी स्टार्ट ही नहीं थी इसके ऊपर बाइक चलानी अलाउ नहीं थी। अभी लिख तो दो कम से कम, बोर्ड तो लगा दो जिससे लोगों को पता लगेगा हाँ भाई बाइक बैन हो गई, किसी का 20,000 का ना कटे ना मेरी तरह। भाई साहब बहुत दुख हुआ, लेकिन घर आके फिर मैंने खुद को समझाया चलो कोई नहीं गलती होगी, और फिर बोल दिया जाके भाई उसको अदालत में भर के आना। लेकिन भाई साहब मैं भी पूरा पक्का आदमी हूँ, मैं भी दोबारा उसी KMP से ही गया था, मगर भाई साहब तुमने 20,000 ले तो लिए हैं, 20,000 का एक और काट देना और क्या कर सकते हो आप। लेकिन जाऊँगा यहीं से 20,000 कटवा के, ये नहीं है कि मैं 20 किलोमीटर और घूम के जाऊँगा उधर से, ना ना जाऊँगा तुम्हारी छाती के ऊपर से ही। तुम्हें खाने के लिए रोटियाँ पीने के लिए चाय भी नहीं मिलेगी, और बाइक पर पंचर होगा तो बस फ़ोन करके इंतजार करते रहो भाई साहब, कोई पंचर वाला दूर दूर तक है कुछ नहीं है उसके ऊपर। और रात में तो भूल कर मत जाना, बहुत रिस्की है भाई साहब, लाइट भी नहीं चलती। अब ये नितिन गडकरी जी अगर मेरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे गालियाँ देंगे, भाई तू ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, एक बार नाइट में जाके तो देखो हाईवे के ऊपर सुनसान इलाके, इतना बुरा हाल है, लाइट जलती नहीं है वहाँ, क्या रोड सेफ्टी है कुछ नहीं,
ना पेट्रोल पंप है कि उसके ऊपर किसी का तेल ख़त्म हो जाए तो भाई बेचारा खड़ा ही रहे हो तो। और रात में तो वैसे भी कोई किसी की मदद करने के लिए रखता ही नहीं है, क्योंकि अभी इसमें साइलेंसर है ओरिजिनल वाला, तो अभी इसकी आवाज़ से इतना महसूस नहीं होता तेज़ चल रही है बाइक। जब इसमें आप अलग से साइलेंसर डलवा लोगे ना भाई साहब, जब तुम 70 की स्पीड में हो ना तो ऐसा लगेगा ये 200 की स्पीड में चल रही है, क्योंकि उसकी आवाज़ की वजह से डर लगता है इस पर। स्प्लेंडर कहाँ बिकते होंगे इतनी आज के टाइम में जितनी बुलेट बिक रही हैं, रोज़ नए नए मॉडल निकाल देते हैं ये। तो हमारे पास तो ये 2016 से यही है, हमारी चमक चलो बहुत बढ़िया चलती है भाई साहब बस, लेकिन ये है कि बहुत पैसे खाती है, बीमार हो जाती है रोज़ हर दो दिन में। तो मेन खर्चा तो इसका भाई साहब यही है, एक तो ब्रेक सूखा और एक तुम्हारा चैन सेट का, दो चीज़ खाती है बहुत ज़्यादा ये, डलवाते रहो। और तेल का तो ये है, चलो तेल अब ये अब हाथी पाला है तो उसका चारे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कई बार मैं यहाँ से जाता हूँ तो लोग वाग दिल्ली से बाइक लेकर आते हैं, कोई हार्ले डेविडसन ला रहा है, कोई डुपाती ला रहा है, कोई इंटरसेप्टर ला रहा है, कोई कॉन्टिनेंटल जीटी ला रहा है, तो भाई साहब उनको देख के बड़ा ना खून जल जाता है एक बार को, तो फिर खून का जल जाता है उनको देख के, ये सोचता हूँ भाई साहब कमा लो ना, क्यों खून जला रहे हो, इससे अच्छा कमा लो उनकी तरह देख के, जैसे वो लेके जा रहे हैं वैसे को तुम भी लेके यहाँ से निकलो भाई साहब, तुम्हें भी दो बंदे देखेंगे हाँ, फिर वो खून जलाएंगे अपना भाई, ये बाइक मेरे पास होती होती भाई साहब सब यही सोचते हैं। वही बात है ना, उनके पास डुकाती तो वो सोचते हैं हमारे पास हवाई जहाज होना चाहिए था, तो मेरे पास बुलेट तो मैं सोचता हूँ डुकाती होनी चाहिए थी, मन मेरा कभी नहीं भरेगा ना उनका भरेगा, डुकाती आ जाओ चाहे हवाई जहाज आ जाओ, हवाई जहाज आने के बाद वो कहेगा भाई स्पेस में जाना मेरे को, वही है ना भाई साहब, मन को समझा कर रखो, कंट्रोल रखो, जो है उसी में खुश रहो, उससे फालतू कुछ मत करो। बस गाइस आप लोग सपोर्ट रखना मेरी वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, जिसने नहीं कर रहा है बेल आइकन दबाओ, लाइक करना, आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं होगा बहुत अच्छा तो नहीं लगा होगा यार, ऐसा तो हो सकता, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत फनी बनाया मैंने। पे कार्रवाई चल रही है भाई साहब, जाम लग रहा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से तब हम रिंग रिंग के ही निकलेंगे वैसे भी। ये देखो भाई साहब आ रहे हैं रॉन्ग साइड से, बड़े खुश हो रहे हैं ये, अभी कोई अंकल इनका काट देगा यहाँ आके, फिर ये रोएंगे बैठ के, अजी साहब उधर से तो रास्ता बंद था, हम तो इसलिए इधर से आ गए थे, पर बंद था तो दिख नहीं रहा था क्या, ये कोई वहाँ से यहाँ खड़ी करके भाग गए हैं अपना, ये लाइट लूट मैंने भी जला ली है भाई साहब, ये बीच में से रोड उखाड़ के बेच दिया क्या, ये क्या बात है, और ये मैंने पांचों इंडिकेटर जला दिए हैं अपने, चले चले चले, अरे चलो यार इतनी जगह पड़ी है कहाँ से घुसोगे, ऐसी हालत कर दी है रोड की जैसे यहाँ से उखाड़ उखाड़ के बेच रखा हो। हरियाणा के जहाज भाई हो ये भाई साहब, इनकी ड्राइविंग तो बस पूछो मत, बड़े हैवी ड्राइवर हैं, तो इनकी रीस नहीं होती भाई साहब, मैंने देखा हरियाणा के ड्राइवर दिन में गाड़ी बढ़िया चलाते बस, और उत्तर प्रदेश के ड्राइवर भाई साहब तुम रात को अगर उनकी बस पे बैठ गए वो तुम्हारे लिए ना ब्रेकर देखेंगे ना खड्डे देखेंगे, भाई साहब अगर गलती से तुम पीछे बैठ गए ना बस में तो तुम तो ये लगा लो कि तुम तो वहाँ जैसे उड़न खटोले में बैठता ना बंदा, वो जंपिंग वाला बैग आता है उसके पे कूदते ना ऐसे कूदाते भाई साहब, छत में जाके सर लगता है बार बार, खाया कमला पसंद। और चलो भाई भैया, और भुप्पा कहाँ ले आ रहा है ना, अरे हराम खोर इतने होते हैं भाई साहब, कभी भी आप जाम में फंस जाओ तो जब भी उनको देखना उनकी स्टाइल, जिस साइड बाइक निकलने की जगह होगी ना थोड़ी सी लाइन से उधर साले उसमें घुस लेंगे, टायर पूरा टायर उसमें लाके खड़ा कर देंगे, ले भाई मैं नहीं निकल रहा तो तेरे को भी निकलने दूंगा, वो ये सोचते हैं वो उसमें से वो निकल जाएंगे, मुस्ट चूहा निकल जाता ना एक जगह में से, ऐसे सोचते हैं हम निकल जाएंगे वहाँ से, इतना पूरा रोड घेरे पड़े हो, उसके बाद में थोड़ी सी जगह रह रही है यार, ऐसे तो मत करो, बाइक वाले भी हैं उनको तो निकलने दो कम से कम, हम तुम्हारी जगह थोड़ा घेरते हैं, तो रिस्पेक्ट बाइक वाला। ओके बहुत अच्छा है इनका ये काम, तो ये देखो भाई साहब इनका कोई यहाँ पे इनको ना कोई चिपका जाता है ना रोड से, फिर ये देखते हैं भाई साहब कौन था कहाँ था कैसा था, अभी तो ये देखते नहीं है कि कोई आ रहा है जा रहा है, भाई साहब ऐसे भागते हैं गाड़ी को देखते हैं, हाईवे के ऊपर से गुजरना जरूरी है नीचे से, जब पुल बना रखा है तो अब हाईवे को ये फ्लाई ओवर बना रखे ऊपर से क्रॉसिंग वाले, भाई साहब कौन चढ़ता है इनके ऊपर, कोई नहीं ज्ञान तो बांट देते हैं, हमारे देश में ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए, तुम्हारे देश में ऐसा कर दो तो फिर तुम संभाल कहाँ सकते हो उसको। हेलो ठीक है गाइस, कोई नहीं, मेरा ब्लॉग बताना कैसा लगा आपको, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई का, तो आशा करता हूँ 2-4 फॉलोअर तो मेरे बढ़ाई देना कम से कम, आपको रोज़ नई नई फनी वीडियो बना के दिखाऊंगा,
ब्लॉग करूँगा। ठीक है गाइज, ओके टाटा।